हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में देखा, कैसे नॉन कॉपरेशन विड्रॉ होने के बाद प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स दो ग्रुप बन गए थे और अल्टीमेटली बन जाती है स्वराज पार्टी, और फ्रीडम स्ट्रगल को वो पार्लियामेंट्री वर्क से कैरी ऑन करते हैं और ये दिखा देते हैं कि 1919 के रिफॉर्म्स बिल्कुल हॉलो हैं। आपने हमको एमपी एमएलए बनने के लिए अलाउ किया है, हमारी मेजोरिटी भी है, लेकिन फिर भी हमारे पास पावर नहीं है क्योंकि हम बिल पास नहीं करते हैं और आप वीटो पावर से पास कर देते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट उतनी ही डिक्टेटोरियल और इंपीरियल है, कहीं भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है। 3 साल तक स्वराज पार्टी सक्सेसफुली काम करेगी, लेकिन 1926 के इलेक्शन आते आते ऐसे सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिससे स्वराज पार्टी खत्म हो जाती है। मतलब खत्म तो नहीं होती, लेकिन स्वराज पार्टी का जो पीक था वो खत्म हो जाएगा। 1926 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा सीटें राज्यों में तो साफ ही हो गई है, सेंटर में तो सीटें आई भी हैं। कैरी ऑन करेगी, बट इसका दबदबा फ्रीडम स्ट्रगल के सीन पे खत्म हो जाता है। सिग्निफिकेंस ये रहा कि स्वराज पार्टी ने उस समय फिल कर दिया फ्रीडम स्ट्रगल की उस गैप को, जब कांग्रेस बहुत एक्टिव मूवमेंट नहीं चला रही थी और गांधी जी भी सोशल वर्क या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आज देखते हैं कि वो क्या इवेंट्स हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल को ले जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। तो क्या क्या इवेंट थे, लेट अस सी। 1927 में साइमन कमीशन भेजा जाएगा भारत, वो बताएगा क्या फर्दर रिफॉर्म्स भारतीयों को देने हैं जो 1929 में आने हैं। साइमन कमीशन को इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन शुरू हो जाएगा। इंडियंस कहते हैं हम अपना रिफॉर्म प्रपोजल बनाएंगे, तो वो नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं। नेहरू रिपोर्ट को लीग एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो अपनी रिपोर्ट देती है जिसे जिन्नास 14 पॉइंट्स कहते हैं। 1929 तक आते आते फिर कांग्रेस लाहौर सेशन करती है और गांधी जी को ऑथराइज करती है कि वो कभी भी शुरू कर सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आज देखते हैं साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन। चलिए, साइमन कमीशन आपको याद होगा 1909 के रिफॉर्म प्रपोजल जिसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स कहते थे, उसमें 10 साल का एक सिलसिला जारी हुआ था कि हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स रिव्यू होंगे। तो ऐसे ही 1919 का जो रिफॉर्म प्रपोजल आया था उसमें एक स्टेट्यूटरी कमीशन अपॉइंट होगा 10 साल बाद जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिफॉर्म्स के तरफ रिपोर्ट देगा। हेंस साइमन कमीशन 1929 में रिपोर्ट देने के लिए आना ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1927 में अनाउंसमेंट कर दिया है कि देयर शैल बी सेंट अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन टू इंडिया टू रिव्यू द रिफॉर्म प्रपोजल। जो 1919 के रिफॉर्म्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और क्या फर्दर रिफॉर्म्स देने हैं। कमीशन में 7 लोग हैं, 4 कंजर्वेटिव हैं, 2 लेबर पार्टी के, 1 लिबरल है। जॉन साइमन इसका चेयरमैन है। क्लीमेंट एटली जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे इंग्लैंड के, वो भी इसके मेंबर हुआ करते हैं। ये सारे नाम याद करने की नीड नहीं है, बट इट वॉज एन ब्रिटिश कमीशन विच केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ सजेस्टिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट कि व्हाट मोर रिफॉर्म शुड बी गिवन टू इंडियंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, आगे जो रिफॉर्म्स देने हैं वो क्या होने चाहिए। टू इन्वेस्टिगेट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इसका एक। दूसरा है मेक रिकमेंडेशंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 3 मुद्दों के लिए भारत पहुंचा है इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन हेडेड बाई जॉन साइमन, हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन पॉपुलरली। इसका रियल नाम था इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड साइमन कमीशन। तो फर्दर रिफॉर्म्स क्या होंगे वो बताएगा और 1919 के रिफॉर्म का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब इंडियंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है साइमन कमीशन को, क्या वजह है। पहली बात तो ऑल द 7 पीपल आर वाइट, इट इज एन ऑल वाइट कमीशन। इंडिया के रिफॉर्म प्रपोजल आप बनाने जा रहे हैं और किसी भारतीय को इसमें आप शामिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज ए सिंबल ऑफ रेशियल एरोगेंस। यू डू नॉट फाइंड ब्रिटिश डू नॉट फाइंड एनी अमंग इंडियंस हु इज केपेबल इनफ टू बिकम मेंबर ऑफ अ बॉडी विच इज गोइंग टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप किसी भारतीय को इस लायक नहीं समझते हैं कि वो उस कमीशन का बॉडी का मेंबर बन सके जो अपने ही देश के पॉलिटिकल फ्यूचर में भागीदार बन सके, इसलिए ऑल वाइट कमीशन हमको मंजूर नहीं है। बिना भारतीयों का साइमन कमीशन स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो गिल्टी ऑफ कास्टिंग अ स्लर ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियंस
हु वर बाय इम्प्लीकेशन व्यूड एज अनफिट टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स. इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. आई नो द डिफरेंसेज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. इंडियन पार्टीज के बीच के डिफरेंसेज मुझे पता है. ये उस समय का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था बर्किन हेड, वो अनाउंस कर देता है इंडियंस आर अनफिट टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स. तो उससे भी अपोज करते हैं कि यस वी आर केपेबल इनफ, वी शुड बी मेड पार्ट ऑफ साइमन कमीशन. दिस अनफेयर एंड इंसल्टिंग मैन्यूवर वॉज यूनिवर्सली कंडेम्ड थ्रू आउट द कंट्री. ये जो हालात डेवलप होते जा रहे हैं ये पूरे कंट्री में है, और साइमन कमीशन का बिल्कुल भी भारत में वेलकम नहीं है. जब साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आई जाएगा, ऑल पार्टीज बिकेम कन्विंस्ड दैट दे मस्ट पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब साइमन कमीशन को अपोज करेंगे, हम मिलकर अपना रिफॉर्म प्रपोजल जारी करेंगे. कांग्रेस का मद्रास सेशन होता है दिसंबर 1927 में. कांग्रेस रिजॉल्व्ड हेयर टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म. साइमन कमीशन देश में जगह जगह जाएगा, स्टडीज करेगा. जहां जहां साइमन कमीशन होगा वहां वहां हम उसको अपोज करेंगे. कांग्रेस अलॉन्ग विद अदर पार्टीज लाइक द लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग एटसेट्रा डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन. सारी पार्टियां राजी हैं कि हम साइमन कमीशन को अपोज करेंगे. लेकिन मुस्लिम लीग का एक विंग है जो मोहम्मद शफी द्वारा चलाया जा रहा है, दे वॉन्टेड टू कोऑपरेट विद द साइमन कमीशन. हेंस स्प्लिट हो जाती है लीग में साइमन कमीशन के अपोजिशन को लेके. तो जो जिन्ना वाला ग्रुप है दे वॉन्टेड टू सपोर्ट कांग्रेस टू अपोज साइमन कमीशन, बट मोहम्मद शफी वाला ग्रुप वो कमीशन के साथ कॉपरेट करना चाहता है. हेंस देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्प्लिट विद इन द नेशनल मुस्लिम लीग सो फार एज अपोजिशन टू साइमन कमीशन इज कंसर्न. इंडियन पार्टीज दैट सपोर्टेड द साइमन कमीशन वर एक तो शफी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग एंड जस्टिस पार्टी एट मद्रास. ये दो पार्टीज ऐसी थी, ये याद रखेंगे आप, जिसने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था. बाकी सारी पार्टीज एक हो गई हैं. एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन होता है. द बायकॉट एज द लेटर इवेंट्स शोड इन 1928 वाज ट्यूमल्टस इवेंट इन द फेस ऑफ ब्रूटल गवर्नमेंट रिप्रेशन. साइमन कमीशन को पूरे भारत में अपोज किया गया है. जब 3 फरवरी 1928 को कमीशन बॉम्बे में आया था, गो बैक साइमन का नारा, काले झंडे, बैनर्स चारों तरफ दिखने लगे हैं. साइमन कमीशन को शुरुआत से ही अपोज करने लगे हैं. द अपोजिशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज एंड अदर वायलेंट मीन्स. जो पूरे देश में अपोजिशन मचा हुआ है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उसे सप्रेस कर रही है. इन लखनऊ जवाहरलाल नेहरू एंड जी बी पंत वर बीटन अप. लाठी चार्ज बाय द पुलिस इन लाहौर. जब साइमन कमीशन अक्टूबर 1928 पंजाब की कैपिटल लाहौर में है, स्टडी करने आया है, तब एजिटेशन निकाला गया है. लाला लाजपत राय उस में इंजर्ड हो गए हैं क्योंकि स्कॉट नाम के पुलिस ऑफिसर ने लाठी चार्ज कराया है, और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है. 17 नवंबर ही वॉज इंजर्ड इन एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन. ही वॉज डेड इन ऑन 17th नवंबर 1928 एंड विद इन वन मंथ हिज डेथ वॉज अवेंज्ड बाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. आप जाएंगे तो मेरा एक वीडियो देखेंगे जिसमें भगत सिंह के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. तो जब साइमन कमीशन एजिटेशन चल रहा है, द विजिट ऑफ साइमन कमीशन हैड ब्रॉट टू द फोर फ्रंट द इशू ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इंडिया शुड ऑब्टेन फॉर हरसेल्फ. और जो अपोजिशन हुआ है, जिसमें इंडियंस ने बताया है, रिफ्लेक्ट किया है कि किस तरीके का संविधान उनको चाहिए है, ये इशू फोर फ्रंट पे आ गई है. आपको याद ये रखना है कि द साइमन कमीशन एजुटेशन वॉज बेसिकली द एजुटेशन ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री. साइमन कमीशन एजुटेशन का समय ही ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जब ओल्ड एज लोगों से या ओल्ड गार्ड से एक यंग गार्ड के पास फ्रीडम स्ट्रगल आ रही है. मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस केम टू द फोर फ्रंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग विच मूवमेंट. आपका आंसर होगा एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन. इसी दौरान ये दोनों बहुत एक्टिव हो गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में. तो साइमन कमीशन एजिटेशन वो समय था जब फ्रीडम स्ट्रगल ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है, और एक जनरेशन का गैप आया है, नए लीडर्स, यंग लीडर्स फोर फ्रंट पर आने लगे हैं. साइमन
साइमन कमीशन अपना काम करता रहता है और फिर साइमन रिपोर्ट आ जाती है। द कमीशन वॉज अपोज्ड इन इंडिया स्टिल इट कंटिन्यूड इट्स वर्क आफ्टर टू विजिट्स फ्रॉम मार्च 1928 टू अक्टूबर 1928 एंड अप्रैल 1929। इसने भारत के जगह जगह दौरे किए हैं। 1930 मई में अपनी रिपोर्ट दे दी है, अपनी रिपोर्ट ये दे देती है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हम देख लेते हैं। साइमन कमीशन ने, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, मेंस में तो ना भी आए बट प्रिलिम्स में कुछ बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट्स रेज कर देते हैं वो, जो हमें यूजुअली नहीं पता होते। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है, देयर शुड बी अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट विद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड अदर एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। जितने भी एरियाज हैं, प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको मिलाकर एक सेंट्रल असेंबली बनेगी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मतलब जो नंबर होगा असेंबली में वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा। एंड इलेक्शन शैल बी बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसके बेस पे होगा। द इट प्रपोज्ड इन डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर, सीधे लोग वोट ना दें इसके लिए प्रपोर्शनल सिस्टम फॉलो किया जाएगा जिसमें सीधे वोट नहीं होता है, चुने हुए लोग वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती। द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल शुड सिट इन द लोअर हाउस टूगेदर विद द अदर नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। कहने का मतलब है सरकार पार्लियामेंट में बैठे वाइसराय के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, दे शुड सिट इन द लोअर हाउस, जैसे लोकसभा में आज सरकार बैठती है, ये उसने रिकमेंड किया। इट रिकमेंडेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायरकी वॉज अ फेल्योर, कमीशन ने कहा जो आपने 1919 के एक्ट के तहत डायरकी दी है जिसमें भारतीयों को मंत्री बनने की परमिशन राज्यों में है, ये फेल्योर है क्योंकि बड़ा कंट्राडिक्शन है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। इरीगेशन सेंट गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट है जबकि एग्रीकल्चर ट्रांसफर सब्जेक्ट है और दोनों एक साथ चलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। उसने बोला है ये अनवर्केबल है, इसकी हटा दीजिए, इसकी जगह आप राज्यों में दे दीजिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कम से कम राज्य स्तर पर तो इनको सेल्फ गवर्नमेंट दे दीजिए। डायरकी में सिम्बॉलिक सेल्फ गवर्नमेंट है, रियल तो है ही नहीं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रपोजल तो ये रहा साइमन कमीशन का कि सारे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दीजिए, जो कि 1935 के एक्ट में दे भी दी गई थी। इसके साथ साथ इसने कहा आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे तो रहे हैं जहाँ पर भारतीय मुख्यमंत्री होगा, पॉपुलर गवर्नमेंट्स बनेंगी, लेकिन साथ साथ गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स छोड़ दीजिए कि गवर्नर जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रेकडाउन के विषय को लेकर वो चाहे तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ले। मतलब सॉर्ट ऑफ गवर्नर्स रूल का प्रोविजन डाल दिया है इसमें। गवर्नर शुड बी ग्रांटेड सम स्पेशल पावर्स टू ओवर रूल द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स वेयर बाई दे थॉट नेसेसरी। जहाँ गवर्नर्स को लगे कि सरकार सही सलाह नहीं दे रही है, गवर्नर चाहे तो खुद अपने विजडम पे काम कर सकता है। मतलब इंडियंस को सेल्फ गवर्नमेंट राज्य में दे दीजिए लेकिन गवर्नर को भी एम्पावर्ड रखिए ताकि वो कभी भी चाहे तो सरकार अपने हाथ में कंप्लीटली ले ले। फर्दर गवर्नर्स वर टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल फॉर सम एसेंशियल पर्पजेज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। जहां तक राज्यों में माइनॉरिटीज के सपोर्ट की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, वहां गवर्नर्स अपने आप ही फैसले लेंगे और गवर्नर जनरल के डायरेक्शन में काम करेंगे। इट ऑल्सो रिकमेंडेड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स विद अ मिनिमम ऑफ 200 एंड मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। विधानसभाओं में 250 से ज्यादा ना हो लेकिन 200 से कम मेंबर्स भी नहीं होने चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी। सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट्स, जो सेपरेट इलेक्ट्रेट शुरू हुआ था 1909 के एक्ट से, ये तब तक चलता रहे जब तक कोई और बेटर मेथड एग्री अपॉन ना हो जाए। तो मतलब पृथक निर्वाचन का अधिकार ये कंटिन्यू करता है। द फ्रेंचाइज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर शुड बी वाइडेंड, राज्यों के जो लोग वोट देने का अधिकार है उसे वाइडेंड कर दिया जाए। मतलब ये हुआ कि इसने राज्यों को इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट देने की बहुत बड़े स्तर पर बात कही है। इट ऑल्सो वॉन्टेड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स इन इंडिया टू बी इंक्रीज फ्रॉम 3% टू लगभग 15%। मतलब और लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, प्रॉपर्टी है या इनकम है वो रहें लेकिन इतनी नीचे कर दी जाएं कि ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए। फिर इसने बोला कि जो 10 साल में आप कमीशन का सिलसिला है इसे बंद कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन एवरी 10 ईयर्स टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द कमीशन रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया
विच शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एब्जॉर्ब द नेसेसरी चेंजेस वेन एवर नेसेसरी। मतलब ऐसे संविधान को बना दीजिए, रिफॉर्म प्रपोजल ऐसा बनाइए कि उसमें जो चेंजेस लाने हैं वो इतना फ्लेक्सिबल हो, अमेंडेबल हो कि वो आसानी से आ जाए, और 10 साल का जो रिव्यू का सिलसिला है ये बंद कर दीजिए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। कुछ नए प्रोविंसेस बना दीजिए, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दीजिए, लीग की डिमांड भी थी ये। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दीजिए, ग्रांट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दे दीजिए, और बर्मा को भारत से अलग कर दीजिए। आप देखेंगे आगे चलकर ये सारे काम लगभग हो जाएंगे। साइमन की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन आपको याद रखना है नॉट टू स्पीक ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इट डिड नॉट इवन रिकमेंड पार्शियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। राज्यों के ऊपर तो बहुत अच्छे इसने रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन सेंटर में ये भारतीयों के साथ पावर शेयरिंग की बात नहीं कहती है। डोमिनियन स्टेटस तो बहुत दूर की बात है, ये सेंट्रल सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने की बात भी नहीं करती। ऑल्दो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज रिकमेंडेड, येट इट वॉज सरकमस्क्राइब्ड बाई द वास्ट पावर्स ऑफ द गवर्नर। मैंने आपको अभी बताया था कि गवर्नर को इतना एम्पावर कर दिया गया था, वो जब चाहे पॉपुलर मिनिस्ट्रीज को खत्म कर सकता है, सारी सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। नेशनल लीडर्स कंडेम्ड द मीगर रिफॉर्म सजेस्टेड बाय द कमीशन। ओब्वियसली साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो उन्हें एक्सेप्ट करनी नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रिपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा, रिपोर्ट तो पहुँच गई है लेकिन उन्होंने अपने एक्शंस पहले से लेने शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू कर दिया ये हम डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 1929 में दीपावली के समय, इसे दीपावली डिक्लेरेशन भी कह देते हैं या इरविंस ऑफर भी कह देते हैं, इरविंस ऑफर 1929, बोल दिया गया है कि डोमिनियन स्टेटस जो गोल है आपका, इस पे डिस्कशन हो सकता है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और सारी पार्टियां आकर यहाँ डिस्कस कर सकती हैं। तो 1930 में कमीशन की रिपोर्ट आई है, उससे पहले ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो चुकी है। तो दैट वॉज साइमन कमीशन और साइमन कमीशन रिपोर्ट। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन वॉज द मूवमेंट ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री। इट वॉज द फेज वेन द पावर वॉज शिफ्टिंग, फ्रीडम स्ट्रगल की कमान यंग लोगों के हाथ में आने लगी है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।